हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज की। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम, अकाउंटेंसी में हमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं, हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं। जो भी उसमें फाइनल अकाउंट बनाने को आता है, वो हमें प्रॉब्लम होती है उसे बनाने में। तो ऐसा ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे कि हम अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम को पास कर पाए? तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूमेरिकल में वीक हैं, तो आपको अपना थ्योरी पोर्शन बेस्ट करना होगा। आपको सारे मार्क्स जो है वो थ्योरी पोर्शन में ही गेन करने होंगे, जिससे कि आप उसमें पास हो पाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी की क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम्स में लगभग हमने 10 ईयर्स के पेपर्स देखे हैं, तो उन 10 ईयर्स में क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी क्वेश्चंस के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपको कुछ और भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और क्वेश्चंस पे आपको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन एंड लेखाकम की दोहरा लेखा प्रणाली को विस्तार से समझाइए और विशेषताएं भी लिखिए। तो पुस्तपालन एंड लेखाकम, मैं इसको इंग्लिश में भी डिस्कस करूंगी, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। पुस्तपालन होता है बुक कीपिंग एंड लेखाकम होता है अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो डबल एंट्री सिस्टम है, उसको आपको समझाना है और साथ में आपको उनके फीचर्स भी बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए यानी शॉर्ट नोट लिखिए दोहरा लेखा प्रणाली, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम फ्रेंड्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो अगर आप ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ लोगे अच्छे से, तो अगर आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आए, या फिर इसके फीचर्स लिखने को आए, या फिर नॉर्मली इसमें मीनिंग लिखने को आए, तो आप इजिली इसे लिख सकते हो। फिर आता है लेखांकन अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, लेखांकन अवधारणा का मतलब यहाँ पर ये, जो भी आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो आपको उनके बारे में बताना है कि वो क्या होता है, और उनका आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी देना है कि कौन कौन से होते हैं और वो उनका मीनिंग क्या होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन के विभिन्न स्वरूपों को समझाइए। विभिन्न स्वरूप फ्रेंड्स आपने पढ़े होंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, टैक्स, गवर्नमेंट। तो आपको वो सारे जो इसके फॉर्म्स हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जर्नल एंट्री से पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसमें चॉइस दे दी जाती है कभी कभी कि आपको एक जर्नल एंट्रीज दे दी जाती है करने के लिए। साथ में एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपको खुद एक आर्टिफिशियल वहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट करना है, आर्टिफिशियल एंट्रीज करते हुए जर्नल का जो फॉर्मेट है वो आपको बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको पता होगा, तो आप इजीली उनके एंट्रीज कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल, और आप आर्टिफिशियल अमाउंट भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुदरा रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं। खुदरा रोकड़ बही, जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रिटी कैश बुक। प्रिटी कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मेनली ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें पूछी जाती है कि प्रिटी कैश बुक किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना होगा। फिर आता है खाता बही से आप क्या समझते हैं, इससे क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो खाता बही, जैसे कि हम जानते हैं, इसे हम लेजर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपको लेजर का मीनिंग लिखना होगा, और साथ में आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी लिखनी होगी, या फिर नीड लिखनी होगी कि क्यों बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुग्रह विनिमय विपत्र की। अनुग्रह विनिमय विपत्र, जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, अनुग्रह क्या होता है कि अनुग्रह हम किसी से एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अनुग्रह विनिमय विपत्र में आपको यहाँ पर एक उनका मीनिंग लिखना होगा कि क्या होता है उसके बारे में। तो आप यहाँ पर अगर ये सारे क्वेश्चन जो हैं, अगर फ्रेंड्स कोशिश करिएगा कि आप उसको रनिंग फॉर्म में ना लिखें, आप उनको पैराग्राफ फॉर्म में अगर लिखेंगे तो मार्क्स आपको इतना नहीं मिलेंगे। आप कोशिश करिए कि उसको डायग्राम्स के थ्रू समझा सकें, आप उसको थोड़ा बुलेट फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स में लिखें, पूरी पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेक की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार एवं लाभ भी लिखिए। फ्रेंड, चेक का जो क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कि ये आपका रखा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है कि चेक क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर कौन सा लिखना है, क्रॉस चेक होते हैं, ठीक है, और सिंपल चेक, फिर एक होता है हमारा जो हम खुद रखते हैं जो कैश, एक होता है कि
नॉन क्रॉसिंग वाले चेक में भी आपको डिफरेंट पार्ट्स लिखने पड़ेंगे, जिसमें आपका होता है एक क्रॉसिंग होती है जिसमें आपको बैंक का नाम लिखना होता है, दूसरी क्रॉसिंग होती है उसमें बैंक के नाम के साथ साथ आप उसमें पर्सन का नाम भी लिखते हैं। तो ये सारे चेक्स जो हैं आपको विद दी डायग्राम बना कर लिखना होगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम्स बनाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो ये मार्क स्क्रीनिंग क्वेश्चन है। फिर आ जाता है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। रेखांकित चेक जिसको हम बोलते हैं क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक किसे कहते हैं, और इसमें जो क्रॉस चेक के टाइप्स हैं आपको वो भी लिखने पड़ेंगे कि कितने तरह के होते हैं क्रॉस चेक। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा हर बार पूछा जाता है कि क्रॉस चेक किसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक समाधान विवरण पे। बैंक समाधान विवरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी चॉइस में आता है। एक आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा यानी न्यूमेरिकल, और एक आपको एक थ्योरी दे दी जाएगी, तो उसमें से आपको चॉइस में लिखना होगा। तो आप इस पे फोकस करिए, आप एक समरी टाइप इसकी पढ़ लीजिए कि क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, और किस तरह से इसमें एंट्रीज की जाती हैं। थोड़ा आप अगर आर्टिफिशियल एंट्रीज इस क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपका ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हम मूव करें अदर क्वेश्चंस पे, तो ये है रहतिया मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। रहतिया स्टॉक वैल्यूएशन है। ठीक है, तो स्टॉक वैल्यूएशन की जितनी भी विधियां हैं या फिर मेथड्स हैं आपको उनके बारे में लिखना होगा कि किस तरह से हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया था विक्रयम प्रेषण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है कि विक्रयम प्रेषण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। विक्री क्या है, सेल्स, प्रेषण क्या है, कंसाइनमेंट। तो सेल्स एंड कंसाइनमेंट के यहाँ पर हमें डिफरेंस को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त साहस से आप क्या समझते हैं, ये साझेदारी से किस प्रकार भिन्न है। संयुक्त साहस ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर का मीनिंग लिखना है, साथ में आपको इसका डिफरेंस भी बताना है कि ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप से किस तरह से डिफरेंस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मेंबर्स कम होते हैं साझेदारी में जबकि इससे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जबकि जो संयुक्त साहस है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है और उसको करने के बाद ये खत्म कर दिया जाता है, ये कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू हम कर सकते हैं। फिर आता है औसत भुगतान तिथि का आशय स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में पूछा जाता है, औसत भुगतान विधि यानी एवरेज ड्यू डेट जो है उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है साझेदारी क्या है। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है साझेदारी का, ये क्वेश्चन आप सोच लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के हर बार पूछे जाते हैं। एक आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन 100% आता है, और अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट की तो एक फाइनल अकाउंट इमेजिनरी जरूर बन आ जाता है, साथ में बैंक रिकंसिलेशन की थ्योरी जरूर आती है, और कंसाइनमेंट अकाउंट की, ज्वाइंट स्टॉक की, ज्वाइंट वेंचर सॉरी, इनकी थ्योरीज आपकी हर बार पूछी जाती है। यहाँ पर है साझेदारी क्या है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है। तो साझेदारी पार्टनरशिप आपको मीनिंग लिखना होगा, साथ में आपको टाइप्स भी बतानी होंगी साझेदारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फिर है विभिन्न साझेदारों को संक्षेप में समझाइए। इसमें साझेदारों को भी के बारे में पूछ लिया जाता है कि साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर है, लिमिटेड बाय शेयर पार्टनर है, या फिर अनलिमिटेड पार्टनर है, लिमिटेड पार्टनर है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी संलेख क्या है, इसमें लिखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताइए। फ्रेंड, साझेदारी संलेख का मतलब यहाँ पर यह है पार्टनरशिप डीड, तो आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग लिखना होगा, साथ में इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी कैपिटल लग रही है, क्या रजिस्टर्ड है यहाँ पर, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कितना इसमें कैपिटल यूज की जा रही है, कौन मेंबर है, एमडी कौन है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। साथ में इसमें पार्टनर्स के रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन गिवेन होती है कि पार्टनर्स कौन है, उनका नाम, उनका एड्रेस, और उन्होंने कितने कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट किए अपनी, या फिर वो कितने शेयर्स के लिए, कितना शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में प्रॉफिट को, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, तो ये सारी आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ख्याति से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ख्याति यानी गुडविल का मीनिंग लिखना होगा, और साथ में आपको वो फैक्टर्स भी बताने होंगे जिससे हमारी जो गुडविल है वो किसी भी कंपनी की डाउन या फिर अप होती है। ठीक है, तो आपको ये सब यहाँ पर लिखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आप पढ़ लोगे तो आपका अकाउंटेंसी का पेपर इजिली क्लियर हो जाएगा।
लेकिन फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप इनको वहाँ पर जब भी प्रेजेंट करें अपने एग्जाम्स में तो उनके डायग्राम से प्रेजेंट करें। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा, वहाँ पर आपको चार्ट्स के फॉर्म में आप बताइए, माइंड मैपिंग करके बताइए, क्योंकि अगर इस तरह से आप एग्जाम्स में लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि किसी टीचर पर इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके सारे आंसर्स को पढ़े। अगर आप उनको माइंड मैपिंग के थ्रू समझाएंगे तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, क्लियर होगा समझने में, और एकदम वो अट्रैक्ट करेगा टीचर को, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। तो यही कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसको वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।